जय हिंद भाइयों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एम ऑफ ड्रिल, ड्रिल के क्या उद्देश्य है। तो इसमें सबसे पहला है कैडेट्स के अनुशासन की भावना पैदा करना। ड्रिल जो है कैडेट्स में क्या करता है, अनुशासन की भावना पैदा करता है और एक अनुशासित एनसीसी कैडेट्स बनाने में मदद करता है। इसका दूसरा टॉपिक है कैडेट्स को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना। कैडेट्स को कैसे ड्रेस पहन के परेड ग्राउंड में उतरा जाए, कैसे अच्छे से चला जाए और इसकी भी ट्रेनिंग हमको कहाँ से मिल जाती है, ड्रिल में मिल जाती है, जो ये भी एक उद्देश्य में से एक है। फिर तीसरा उद्देश्य है कैडेट्स को मिलजुल कर कार्य करने और हुक्म मानने की आदत डालना। कैडेट्स जो है ड्रिल में सब एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं और इससे क्या होता है, एक अनुशासन की भावना आती है। और उतना ही नहीं, हम कैसे मिलजुल के काम कर सकते हैं वो भी हमको सीखने में आता है और हुक्म मानने की, जो अपने से सीनियर उसकी कैसे हुक्म माना जाए, इसकी भी हमको आदत डलाई जाती है किसके थ्रू, ड्रिल के थ्रू। ड्रिल का चौथा उद्देश्य है कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना। कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाया जाता है ताकि वो बड़े से बड़े सैन्य टुकड़ी का क्या कर सके, नेतृत्व कर सके। और ये नेतृत्व करने के लिए हमको कमांड कंट्रोल आना जरूरी है, जो ड्रिल के थ्रू हम सीखते हैं। ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। ड्रिल अनुशासन क्या है, क्या है बुनियाद है, मतलब जड़ है, या तो कहे तो ड्रिल अनुशासन क्या है, चैप्टर वन की तरह है, ठीक। इसके बाद कैडेट्स को फुर्ती तथा आत्मबल का विकास करता है। कैडेट्स में क्या लाता है, फुर्ती लाता है और उसमें आत्मबल आता है कि हम अपने कैपेसिटी का कितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, हम कमज़ोर नहीं है किसी से, इस टाइप का फीलिंग्स आता है और वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करता है ड्रिल में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, और बहुत सारे वीडियो जो है चैनल में रखे हुए हैं, आप जाके देख लीजिए और ये आपको बी और सी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।